बिहार के किशनगंज से पश्चिम बंगाल के पांतापाड़ा गांव में शुक्रवार की रात छापेमारी करने गए किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें कि शनिवार को अश्विनी कुमार के पार्थिव शरीर को किशनगंज लाया गया, जहां उन्हें सलामी दी गई। पुलिस लाइन में अश्विनी कुमार के पार्थिव शरीर को सलामी देते वक्त पुलिसकर्मियों के बीच रोष और नाराजगी, साथ ही आंखों में आंसू भी देखने को मिले। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पांडीपड़ा थाना में आए थे रेड करने के लिए, एक सूचना मिली थी, हमारे एक मोटरसाइकिल लूट हुई थी। मोटरसाइकिल लूट के अभी उसके छापेमारी के लिए आए थे वो पांडीपड़ा में, जहां फिर दोबारा उनको मार दिया गया। आगे जो कार्रवाई हम लोग करेंगे, अभी इस्लामपुर के एसपी साहब भी साथ में है, हम लोग ज्वाइंट रेड करेंगे, अभी तो छापेमारी करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। पैतृक गांव पहुंचते ही और इंस्पेक्टर के पार्थिव शरीर को देखने, उनका अंतिम दर्शन करने पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे, मीडियाकर्मी मौजूद थे, साथ ही पुलिस लाइन में तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो वहां मौजूद थे। आईजी किशनगंज वो भी वहां गए हुए थे और लोगों में काफी आक्रोश है इस घटना के बाद। आपको बता दें कि बीती रात बाइक चोरी के आरोप में वहां पर कार्रवाई करने गए पुलिसकर्मी थानाध्यक्ष की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। और आपको बता दें कि इसके बाद लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बंगाल में वर्दी की इज्जत नहीं है, कानून का भय लोगों को नहीं है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद तमाम राजनीतिक दलों की जो नाराजगियां हैं वो भी सामने आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले पे कई लोग हैं जो ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और उनका आज पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचा पोस्टमार्टम कराने के बाद गांव, वैसे ही माहौल काफी गमगीन हो गया, लोगों में काफी आक्रोश है, परिजन भी काफी आक्रोशित। उनका कहना है कि इस मामले में जल्द ही न्याय मिलना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि बंगाल और बिहार की पुलिस की संयुक्त छापेमारी में इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जितने और अन्य लोगों की छापेमारी, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन आईजी ने कहा है कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि किशनगंज के एसएचओ की हत्या कर दी गई थी मॉब लिंचिंग के दौरान, अपराधियों ने हत्या कर दी थी बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में हत्या करने के बाद आज जैसे ही उनका शव पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम करने के बाद पैतृक गांव पहुंचा, माहौल काफी गमगीन हो गया, लोग वहां पर गमगीन नजर आए, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। परिजनों में कोहराम मच गया इस घटना के बाद, और परिजनों ने कहा कि जल्द इस मामले में दोषी जल्द लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि बंगाल के पंजीवा पाड़ा में एसएचओ की हत्या कर दी गई थी। बीती रात की यह घटना थी, जिसके बाद यह आक्रोश जो था पूरे बिहार भर में देखने को मिल रहा है। एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई जब वह ड्यूटी के दौरान मौजूद था, कार्रवाई अपराधियों पर कार्रवाई के दौरान यह हत्या की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए किशनगंज से संवाददाता शशि फोन लाइन पर मौजूद है। शशि, पूरी घटना की जानकारी चाहेंगे आपसे कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि टाउन थाना के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार सुबह 3:30 बजे छापेमारी करने, बाइक गिरोह के छापेमारी करने के लिए वहां पहुंचे थे, जहां उसे भीड़ का हत्थे चढ़ना पड़ा और उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। पूरे मामले में पूर्णिया के पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, लोगों में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है इस घटना के बाद? घटना के बाद लोग काफी आक्रोश है, ये बताया जा रहा है कि जब वहाँ वो लोग पहुंचे थे, उसके बाद बंगाल पुलिस की तरफ से वहाँ उन्हें बोला गया था कि बंगाल पुलिस वहाँ पहुंची थी, मगर बंगाल बताया जा रहा है कि सुप्रीम के बंगाल पुलिस ने सहयोग नहीं की थी, जिसके कारण उन्हें अपना जान गंवाना पड़ा। और शशि, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस घटनाक्रम में? अभी तक तो सूत्र से प्राप्त है कि 2, जिसमें से 3 2 पुरुष और 1 महिला की गिरफ्तारी हुई है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। घटना पर पूरे नजर में पूर्णिया के आईजी पूरे नजर बनाए हुए हैं। घटना पर किशनगंज पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे सुबह से।
जी शशि, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से बता दें कि SHO की हत्या कर दी गई थी बंगाल के पांडेपाड़ा में, जहां पर इसके बाद घटना के बाद काफी आक्रोश दिखा। पंजीपाड़ा में हत्या की गई थी SHO की, उसके बाद आज जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, कई बड़े अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद